तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आपको हमारी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले पोको M3। और इस गाइस, हम इस फ़ोन को अनबॉक्स कर चुके हैं, लेकिन इसके स्पेसिफिक फीचर्स आपको बताना चाहता था मैं, इसीलिए इस फ़ोन को फिर से हमने एक तरीके से जिस तरीके से आया तो उस तरीके से हमने पैक कर दिया है। इसकी अनबॉक्स करेंगे हम, वैसे तो अनबॉक्सड है पहले से ही, तो इसको खोल के देखते हैं क्या है कैसा है। इस तरीके से आपको एक डब्बा मिलेगा और इसमें एक बिल मिलेगा जिसमें आलतू फालतू चीज़ लिखी, इसको अपने से मतलब नहीं। और यहाँ पे हमको ये मिलेगा, इसमें पोको लिखा रहेगा आपके लिए। और गाइस, ये जो वेरिएंट है हमारा 6GB 128GB का है, जिसमें पबजी आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। गेमिंग फ़ोन के लिए बेस्ट फ़ोन है, लेकिन इसमें सपोर्ट करता है ओनली हाई तक ग्राफिक्स गेमिंग्स में। और ये रहा हमारा फ़ोन, तो ऑलरेडी गाइस अनबॉक्सड है, तो सॉरी फॉर डिले। कैसे रहा हमारा पोको, ये हमने येलो वेरिएंट में मंगाया, येलो वेरिएंट बहुत कूल लग रहा था इस हिसाब से इसके कलर में, तो हमने येलो वेरिएंट मंगाया। आप देख सकते हो क्या ही जोरदार है, हैंड में बहुत परफेक्टली आ रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा स्क्रीन वाइड भी नहीं है, और गेमिंग के लिए बहुत तगड़ा है ये। इसमें 3 AI कैमरा सुपर कैमरा मिल जाएंगे आपको, ट्रिपल कैमरा। और यहाँ पर हमको एक्सेसरीज में मिलेगा चार्जर, उसके साथ एक केबल मिलेगी, और कुछ नहीं मिलता हमको इसके अंदर, वही लिफाफा है पढ़ने वाला और कुछ नहीं है। लिफाफा हम फ़ोन ऑन करके देखते हैं, तो इस फ़ोन को गाइस हम ऑन करते हैं, रुक जाओ। तो इसको खोलते हैं हम, लॉक इसको लॉक खोलते हैं, स्विच ऑफ है ये अभी फ़ोन गाइस, इसको स्विच ऑफ हमको खोलना पड़ेगा। पोको पॉड बाय एंड्रॉयड गाइस, बहुत कूल फ़ोन है, बहुत औसम है पोको का, बहुत तगड़ा फ़ोन है। अब इसकी कैमरे की क्वालिटीज़ और फोटोज हम आपको कुछ बताएंगे, बहुत तगड़ी तगड़ी कैमरेज की क्वालिटीज़ और क्या कैसा कैसा कैमरा है, जोरदार वाला मस्त एकदम अच्छे से बताएंगे। तो अब इसको खोल के देखते हैं। वैसे गाइस, इसमें आईडी बन चुकी है, तो प्लीज़ वो मत बोलना कि तुमने वाला फ़ोन को अनबॉक्स करके बताया, ये अनबॉक्सड है ऑलरेडी गाइस। हाँ, सिर्फ दिखाना चाहते थे क्या है कैसा है। इसके बाद इसकी एक और वीडियो में हम बताएंगे आपको, जिसमें नार्ज़ो वर्सेस इसका कंपैरिजन होगा। दोनों का प्राइस ऑलरेडी सेम ही है। नार्ज़ो रियल मी नार्ज़ो का हम अनबॉक्सिंग करेंगे, और अनबॉक्स हो चुका है वो फ़ोन। फिर रियलमी 7 का भी आपको मिलेगा, 3 फ़ोन का आपको मिलेगा, और कंपैरिजन वीडियो उसमें क्या है कैसा है, मतलब टच रिस्पॉन्स, कितनी बैटरी बैकअप है, कितनी हेल्थ है, वो सब दिखाएंगे हम आपको उसमें। उसका लॉक भी डल चुका है, हम इसको दिखाते हैं आपका, इसकी स्पीड कितना तेज चलता है। वैसे तो अभी थोड़ा लैग हो रहा है, ये गाइस नेट बंद कर देते हैं। इसमें सिम सब है, इसमें आपको डुअल सिम मिलेगा, 126GB मिलेगा, यहाँ पे आपको डुअल सिम मिलता है। और यहाँ पे आपको वो वाला नया स्विच ऑफ जो बटन है यहाँ पे अंदर इनसाइड वाला आता है, वो आपको मिलेगा यहाँ पे ऐसे। और फेस लॉक है इसमें, ये रहा हमारा फिंगरप्रिंट। अभी इसमें फिंगरप्रिंट नहीं लगा, हमको लगाना पड़ेगा फिंगरप्रिंट। हम यहाँ पे लॉक खोले, और इसकी कैमरा की क्वालिटी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो गाइस, ये 33 नहीं है आपको, इसमें 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग मिलेगा, लेकिन फास्ट चार्जिंग ये बहुत जल्दी जल्दी आपका फ़ोन चार्ज कर देगा ये, तो हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखो अभी ये कितना फास्ट चार्जिंग लिख के आता है कि नहीं आता। पोको वाला सी टाइप चार्जर मिलेगा आपको यहाँ पे, तो गाइस देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है फास्ट चार्जिंग, 73% अभी चार्ज है ये, तो फास्ट चार्जिंग लिख के आ रहा है। तो गाइस, इस हिसाब से फ़ोन बहुत मस्त है, इस कम प्राइस में आपको 6GB रैम मिलेगा। अगर आप गेमर हो, गेमिंग करते हो, तो इस हिसाब से आपको ये फ़ोन लेना बेटर है हमारी चॉइस की तरफ से। इसका प्राइस आपको 12,000 पड़ जाएगा करेक्टली, अभी 12,000 चल रहा है, अभी सस्ता है थोड़ा, आप जाके बाय कर सकते हो। हम इसकी लिंक दे देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और इसका 6000 mAh बैटरी है, जो इसकी बहुत बेस्ट बात है। इसमें आप गेमिंग करते करते आप मैक्सिमम 4 hours तो खेल ही सकते हो, गेमिंग परफेक्टली आपका चल जाएगा। और इसमें हाई ग्राफिक्स में चलता है गेम पबजी, अभी BGMI चल रहा है तो। और इसका प्रोसेसर है, हमको मिलता है रुको जरा सबर करो बोल प्रोसेसर मिलता है स्नैपड्रैगन 662, जो काफ़ी गेमिंग के लिए बहुत जोरदार चल जाएगा, काम चलाओ प्रोसेसर है। और इसमें हम लोग कुछ और स्पेसिफिक फीचर्स उसके बारे में बात कर लेते हैं, कुछ स्पेसिफिक फीचर्स के। इसमें देख सकते हो कॉलकम 662 प्रोसेसर है, 662 प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का, और बहुत सही है। 6000 mAh की बैटरी, 48 MP का वही कैमरा हमारे पास, ट्रिपल कैमरा, और 6.53 इंच की इसकी डिस्प्ले आती है, बहुत ज़ोरदार है। और गाइस, इसमें आपको एक चीज़ मिल जाती है, हम इसका टेस्ट चलते हैं, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। इसका ड्यूरेबिलिटी टेस्ट बहुत सही है, देखो
कुछ भी नहीं हो गाइस, बहुत सही फोन है, आप ले सकते हो। इसकी ड्यूरेबिलिटी टेस्ट हमने देख ली। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। इस वीडियो में आप बने रहने के लिए शुक्रिया और धन्यवाद। रुको जरा, सबर करो। तो गाइस कैमरा टेस्ट करके दिखाने वाले, गाइस आप देख ही सकते हैं कि हम अब मैंने कैमरा सेट कर दिया है। मैं आपको भी पहले आपको जूम टेस्ट करके दिखाऊंगा, इसमें जूम कितना क्लियरली आता है। जूम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही मेरे को, पर थोड़ा स्टेबल रखना पड़ेगा आपको कैमरा जूम करते टाइम, इसमें स्टेबिलिटी इतनी कुछ खास नहीं है। और देख सकते हैं मैंने एक मतलब कोई भी प्रॉपर चीज़ पे जाके टैप किया, बाद में एक फ़ोटो क्लिक कर लिया जस्ट। ये हमारा जूम टेस्ट हो गया, इसके बाद में आपको नॉर्मल टेस्ट करके दिखाऊँ। नॉर्मल मतलब 48 मेगापिक्सल का हमारा वो है कैमरा, मैं टेस्ट करके दिखाऊंगा। देख सकते हैं अभी 48 मेगापिक्सल का बहुत खास है गाइस, इसमें सब कुछ शार्पनेस आई, एकदम एथिकल, एकदम रियल फोटोज़ लग रहे थे, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं फोटोज़ में। अब पैरानोमा की बारी, पैरानोमा बहुत सारे लोगों को नहीं आता होगा, बहुत सिंपल चीज़ है गाइस, इसमें करना कुछ नहीं है, आपको खाली फ़ोन को लेना है, हल्का सा स्लाइड करना है, घुमाता है घुमाना है, जैसे कि वो येलो लाइन के आसपास ही रहे, उसके बाहर नहीं जाए, बस इतना करना है और पैरानोमा की फोटोज़ क्लिक हो जाएगी। एट द लास्ट ऑफ वीडियो ये सारी फोटो जो मैंने क्लिक किया मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको वहाँ पे दे दूंगा, जिसे आप खुद भी एक बार जूम करके चेक कर सको। देख सकते हैं गाइस, अभी मजा आएगा ना वीडियो। सो गाइस पहला फोटो है पैरानोमा, सेकंड फोटो है हमारा मैक्स जूम, थर्ड है हमारा 48 मेगापिक्सल से क्लिक किया फोटो।